नमस्कार तमाम परम वंदनीय गुरुजनों वडिलों एवं नगरजनों श्रोतुम करणो वक्तुमास्यम सुहास्यम ग्रातुम ग्राणम पादयुग्मम विहर्तुम द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मम च दातुम ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम सपातु। सुनने के लिए कर्ण, बोलने के लिए सुमधुर हास्य से भरा मुख, देखने के लिए दो आंखें, विहार करने के लिए दो पैर, दान करने के लिए दो हाथ और ध्यान धरने के लिए जिसने चित्त का सर्जन किया है, ऐसी परम शक्ति हम सभी का रक्षण करे। पंछी कभी पूछता है कि कोई सुनता है तो गाऊं, फौरम कभी पूछती है कि कोई सुहास ले रहा है तो फैलाऊं, या फिर नदी कभी पूछती है कि किसी को अपनी प्यास बुझानी है तो पानी बहाऊं। सृष्टि में हर एक चीज का अपना एक कर्तव्य होता है और वही उसका जीवन होता है। मनुष्य होने के नाते हमारे भी इस सृष्टि के प्रति कुछ कर्तव्य है। हमारे शास्त्रों में भी कई प्रकार के कर्म के संदर्भ मिलते हैं, जिसमें सात्विक कर्म है यज्ञ कर्म, तप कर्म और दान कर्म, जिसमें सर्वाधिक फलदायी और आवश्यक कर्म है दान कर्म। हमने कई प्रकार के दान सुने हैं, देखे हैं और किए भी हैं। अन्न दान, लक्ष्मी दान, विद्या दान, ज्ञान दान, भू दान, गौ दान, सुवर्ण दान इत्यादि। लेकिन क्योंकि कलयुग में अन्न प्राण समान है, अन्न दान को श्रेष्ठ माना गया है। कबीर जी बड़े ही सरल शब्दों में इसकी गहराई प्रकट करते हैं कि भूखे को कुछ दीजिए यथा शक्ति जो होए, ता ऊपर शीतल वचन लखो आत्मा सोए। या फिर कबीर कहे कमाल को दो बाता सीख ले, कर साहब की बंदगी भूखे को अन्न दे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पर हमने क्या किया, हमारा कुटुंब ही सीमित कर दिया इतना छोटा। ऊपर वाला तो हमें जितना बड़ा कुटुंब उतना ज्यादा देता है, लेकिन क्या हमने अपने आसपास की सृष्टि को अपना कुटुंब माना है? अपने अलावा समाज या राष्ट्र के बारे में कभी विचार किया है? यही सोच खड़ी करने के लिए दान कार्य को महत्वता दी गई है। जीवन जीने के लिए कोई तो प्रयोजन चाहिए, वो है थोड़ा कुछ देना और बहुत कुछ पाना। पर हित बसे जिनके मन माही, ये तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। दान कार्य कोई उपकार कर्म नहीं है, दान एक कर्तव्य कर्म है। दान धर्म की पूर्णता है, धर्म का श्रृंगार है। न मात्र व्यक्ति समग्र सृष्टि के उत्थान का निमित्त है, क्योंकि दान कार्य स्व, समाज, परिवार और राष्ट्र में निकटता बढ़ाता है और दिव्यत्व की भावनाओं का निर्माण करता है। हितम न किंचित विहितम परस्य दानम न दत्तम न च सत्यमुक्तम यस्मिन दिनम निष्फलताम प्रयाता स एव कालः परिखेदनस्य। जिस दिन किसी का कुछ हित नहीं किया, दान नहीं किया या सत्य का उच्चारण नहीं किया, वो समय सर्वथा निष्फल है। उपनिषद में दान शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। दा का अर्थ है देना और न का अर्थ है नकारना। अब प्रश्न यह है कि क्या देना है और क्या नकारना है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, बल, बुद्धि, विद्या, धन, वो समाज को देना है। और देने से अपने आप में जो अहंकार बढ़ता है, उसे अपने आप से नकारना है। अहंकार मिटने से प्रेम भाव बढ़ता है और प्रेम से सब कुछ अपना हो जाता है। तो ये तो बड़ी मजेदार बात हुई। थोड़ा कुछ देना है और सब कुछ पा लेना है, न केवल भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, परम सत्य और मुक्ति, सब कुछ पाना है। हमारी संस्कृति में भी हमने कई प्रकार के दान की यश गाथाएं सुनी है। ऋषि दधीचि ने अस्त्र बनाने के लिए स्वयं के अस्थि दान कर दिए थे। शिबी राजा ने कपोत के लिए अपना पूरा शरीर काट कर दान कर दिया था। दानेश्वरी कर्ण को कौन नहीं जानता। धर्मराज युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ की विभूति से जो नहीं हुआ, वो एक गरीब ब्राह्मण के दान किए हुए अन्न के कणों से हुआ। नेवले का आधा शरीर सुवर्ण का हो गया। शेठ शगाशा का बेटा चेलैया हंसते हंसते संत को समर्पित हो गया और वीर भामाशाह ने अपने राष्ट्र के लिए अपनी पूरी संपत्ति का दान कर दिया।
किसी ने वचन पालन, किसी ने व्रत पालन, किसी ने क्षात्र धर्म, संतों की सेवा या समाज या राष्ट्र के हित के रक्षण के लिए ऐसे ऐसे दान किए जिनके कारण वे खुद समय के साथ अजर अमर हो गए। अरे हाड़ बढ़ा हरि भजन कर, द्रव्य बढ़ा कुछ दे, अक्कल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ये। प्रकृति का एक सनातन नियम है, अगर हमारे आसपास की सृष्टि में पशु पंखी वनस्पति मनुष्य जड़ चेतन कुछ भी अगर संतुष्ट नहीं है तो हम भी संतुष्ट नहीं रह सकते। और प्रकृति का क्या स्वभाव है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अगर मनुष्य भी प्रकृति का ये स्वभाव ग्रहण कर ले तो निश्चित रूप से वो भी खुद को उसी परम शक्ति उसी परम चैतन्य में समाविष्ट पाएगा। और आज सौराष्ट्र की जिस धरती पर हम खड़े हैं वहाँ के पूज्य नरसिंह मेहता, पूज्य लालजी महाराज, संत कहर संघ और गंगा सती, पूज्य भोजा भगत, पूज्य जलाराम बापा जैसे कई संत विभूतियों ने इसी परम शक्ति को पाया है समाज का, अन्य का हित करके। और दान करने के लिए स्थल काल या धर्म कोई मायना नहीं रखता, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस्लाम धर्म कहता है कि खैरात से ही जन्नत का मार्ग निकलता है। सिख धर्म में लंगर की प्रथा बहुत ही जानी मानी है। बाइबल कहता है कि अगर बाइने हाथ से दो तो दाइने को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और हिंदू धर्म ग्रंथ में भी कहा गया है कि गुप्त दान करने से व्यक्ति के अंदर शालीनता, कोमलता और विनम्रता बढ़ती है। अथर्ववेद कहता है कि अगर हजार हाथ से संचित करो तो लाखों हाथ से बांटो। ऋग्वेद कहता है कि संसार में ऐसे कर्म करो जिससे अपने आप को सुख शांति प्रसन्नता एवं समृद्धि मिले। और श्रीमद् भगवत गीता जी में भी मनुष्य के नैतिक उन्नति के 26 गुण बताए गए हैं, जिसमें गीताकार ने दान कार्य को दैवी संपत्ति का नाम दिया गया है, उसे संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्व यज्ञश्व वितराग भय क्रोध। श्री कृष्ण ने भी व्रज में जो मक्खन चोरी और दान लीला की उसके पीछे भी यही कारण है कि व्रज में भी जो भी दही दूध मक्खन निकलता है उस पर सबका अधिकार है। सबसे पहले बछड़े एवं बच्चों का है, उसके बाद व्रजवासियों का है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मथुरा में बेचने के लिए जा सकता है। और वैसे भी संचय करने वाले का स्थान नीचे होता है, देने वाले का स्थान ऊपर होता है। विशाल सागर का स्थान नीचे है लेकिन छोटे से बादल का स्थान ऊपर है, क्योंकि सागर लेता है और बादल देता है। और दान कार्य हमें अपनी हर खाराश से दूर करके शुद्ध मीठे जल का बूंद बना के ऊपर उठा सकता है, ऊपर उठने वाला बादल बना सकता है। दान कार्य अपने अंदर देवत्व की स्थापना करने का एक मार्ग है। दान कार्य संपूर्ण जागृति का एक आयाम है। और आज तो हम ऐसे गिरनार के गोद में खड़े हैं जो हमें अपनी हर खाराश से दूर करके शुद्ध मीठे जल का बूंद बना के ऊपर उठाने की दैवी शक्ति धारण करता है। तो आज हम और कुछ नहीं, कम से कम अपना एक अवगुण तो दान कर ही सकते हैं। ऐसा दान जो हमें बनाएगा एक अच्छा मनुष्य और खुद बन जाएगा संपूर्ण जागृति का एक आयाम। और ऐसी जगह पर दान जिसका समग्र आभा मंडल करवाएगा उस परम शक्ति से अनुसंधान। तो हमें सिर्फ जागना है और अपने आत्मा की आवाज को सुनना है। सुन आत्म की ललकार परंतप, अब ना सो तू जाग परंतप, कर अवगुण का दान परंतप, हो निर्विकार निर्गुण परंतप। क्या देगा तू जो था तेरा, पाएगा वो ही है तेरा, कुरुक्षेत्र के मध्य खड़ा जो, रथ अपना अब हटा परंतप, कर्म अपने तू करते जाना, विजय फल है बस मुक्ति पाना, विश्व चेतना विध विध रूप में, सारथी है तैयार परंतप। वंदे मातरम।